वेलकम टू हमारी रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ अदरक की चिकन, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। ये 250 ग्राम दही है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट डाल दिया है। सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1/4 टीस्पून अजीनोमोटो डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना अवॉइड कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। हाफ पार्ट में हम लोग चिकन मैरिनेट करेंगे और दूसरा पार्ट हम लोग ग्रेवी बनाएंगे। ये देखिए आधा मसाला मैंने निकाल लिया है और बाकी में मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया है। इसे आधा घंटे के लिए रखूँगी मैं। यहाँ पर मैंने बर्तन में तेल ले लिया है। इस तेल में मैंने एक बड़ी प्याज को फ्राई करके निकाल लिया है। ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक को जूलियन कट कर लिया है, उसे मैं डाल दूँगी। अदरक की चिकन है तो ऑब्वियसली अदरक ज़्यादा पड़ेगा। देखिए अदरक ब्राउन हो गया है। गैस को कम करके वो जो मसाला मैंने बचाया था वो भी इसमें डाल दूँगी। अच्छे से भूनेंगे। जब तक ये मसाला भून रहा है हम चिकन फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पैन में तेल गरम कर लिया है। देखिए मैंने सब चिकन पीसेस को पैन में फ्राई कर रही हूँ। इसे दोनों तरफ से अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पर देखिए मसाला भून गया है। इसमें मैं 1/2 कटोरी काजू पेस्ट डालूंगी। इसे भी अच्छे से मिक्स करूंगी। फिर ये जो प्याज मैंने फ्राई करी थी उसको भी मैंने हाथ से क्रश कर लिया है, वो भी इसमें डाल दूंगी। फिर इसमें 2 टमाटर की प्यूरी डाल दूंगी। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से एक बार भूनेंगे। ये देखिए ग्रेवी अच्छे से भून गई है। अब इसमें मैं ये जो मैंने चिकन फ्राई करी थी वो भी मैं डाल दूंगी। इसे मिक्स करेंगे। और इसे फिर से ढककर 10 से 15 मिनट के लिए एकदम स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ पर देखिए ग्रेवी को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर दूंगी।
इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए मैंने गैस बंद कर दिया है, अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। यहाँ देखिए मेरी अदरक की चिकन बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऊपर से मैंने अदरक को जूलियन काट कर सर्व गार्निश किया है, हरी धनिया से गार्निश किया है, ग्रीन चिली है।